सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। राफेल डील में लगातार हो रहे नए खुलासे के बीच सीएजी की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई है। सीएजी रिपोर्ट में राफेल सौदे को सस्ता बताया गया है, लेकिन कीमत का जिक्र नहीं किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने जेपीसी से जांच कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। कांग्रेस ने कहा कि राफेल डील में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राफेल डील को छुपाने के लिए कोशिश चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को जेपीसी जांच के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेपीसी जांच कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। गृह मंत्री के बयान के बाद खड़गे ने कहा कि हम साबित करके दिखाएंगे कि इस डील में घोटाला हुआ है, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप कुछ भी कर लीजिएगा। खड़गे के बयान के बाद कांग्रेस सांसदों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट किया। दरअसल सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कांग्रेस के सदस्यों ने राफेल विमान सौदे में जेपीसी से जांच कराने की मांग करते हुए आसन के समीप आकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने पिछले दिनों एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित राफेल मामले से संबंधित खबर की प्रतिक्रिया सदन में दिखाई। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। कैग की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, ये चौकीदार ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट चौकीदार के लिए चौकीदार के कहने पर और चौकीदार द्वारा लिखी गई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।